मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा में हर रोज की तरह आज सुबह भी अजान हुई और लोगों ने मस्जिद में नमाज भी अदा की है। हालांकि मुमरा के दारुल फलाह और कौसा जामा मस्जिद के और सभी मस्जिदों के पास भारी पुलिस बंदोबस्त लगाया गया था। मनसे ने 4 मई को अल्टीमेटम दिया था लाउड स्पीकर को लेकर, और खबरें ये भी सामने आई थी कि मुमरा में 4 मई को अजान नहीं होगी, जिस पर कौसा जामा मस्जिद के ट्रस्टियों ने इस बात को पूरी तरह से गलत बताया और उन्होंने कहा कि आज सुबह अजान भी हुई और लोगों ने मस्जिद में नमाज भी अदा की है। मुमरा में खुद DCP अविनाश अंबूरे कौसा जामा मस्जिद और दारुल फला मस्जिद के साथ मुमरा के हालात का जायजा लिया और कहा कि कोई भी कानून हाथ में ना ले और अफवाहों पर ध्यान ना दे और ना ही किसी तरह का अफवाह फैलाएं। कौसा जामा मस्जिद के ट्रस्टी हारून राउत ने बताया है कि हर रोज की तरह आज भी यानी कि 4 मई की सुबह में मस्जिद में अजान हुई और लोगों ने मस्जिद में नमाज भी अदा की है। कौसा जामा मस्जिद के ट्रस्टी हारून राउत ने और क्या कुछ जानकारी दी है आपको सुनाते हैं। क्या नाम है सर आपका? अरुण राउत, अरुण कमलदीन राउत, जामा मस्जिद के ट्रस्टी। कल से ऐसी खबरें चल रही थी कि अजान नहीं होगी जामा मस्जिद में, और पुलिस से आप लोगों की क्या बातचीत हुई थी? क्या लाउड स्पीकर में अजान देने से पुलिस ने कहा था कि आप मत रोकिए? क्या गाइडलाइन पुलिस ने आपको दिया था? ऐसा कुछ भी नहीं मिलता, हमको कोई गाइडलाइन नहीं मिली, कुछ भी नहीं मिलता। जो चल रहा है अफवाह, जो खबरें चल रही है सर, बिल्कुल अफवाह है, भूल जाओ। क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले को लेकर आप? ये कहना चाहूँगा कि मतलब हुकूमत इस पर अच्छी तरह से काम कर रही है, मतलब भाई, और इंशाल्लाह ऐसा कोई मामला होगा नहीं। अगर हमको कोई गाड़ियाँ आती है तो भाई हम उसका अमल करेंगे। जिस तरह से मस्जिद के सामने जो बात सामने आ रही थी कि यहाँ पर हनुमान चालीसा पढ़ा जाएगा, उसके बाद से ये सामने आई कि पुलिस ने कहा है कि आप लोग जो है लाउड स्पीकर पर अजान ना करें, इस तरह के आप लोगों को जानकारी दी गई थी, लेकिन खबरें ऐसी चली कि मुमरा में अजान होगी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं मतलब सारी मस्जिदों में अजाने हुई है। हाँ, पुलिस जिस वक्त जिस वक्त अजान हुआ है उस वक्त पुलिस का बंदोबस्त यहाँ पर मौजूद था। 3 बजे से बंदोबस्त है, 3 बजे से बंदोबस्त है, और रात में ईशा के टाइम पे इधर पुलिस आई थी, उस टाइम पे हमको बात ये की कि भाई ऐसा कोई मसला नहीं, तुम्हारा मसला उसका है, वो उसके अंदर बस्ती आई है, उनको हम लोग देख लेंगे। पुलिस ने यह कहा है क्योंकि वो तुम्हारा कोई मसला नहीं, तुम तुम्हारा काम चालू रखो, तुम्हारी अजान टाइम पे हो जाए, हर अजान का स्पीकर को कम ज़्यादा करने का कोई मसला नहीं, हम लोग उसको क्या करने उधर कैसा करने का अरेंज क्या करने का वो हम लोग बीच में कर लेंगे, तुम तुम्हारी नमाज पढ़ो, तुम तुम्हारी पब्लिक आने दो, इंशाल्लाह।